अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ शोल्डर जॉइंट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा था और उनके मसल्स और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट पे कौन कौन सी डिसलोकेशंस होती हैं। तो डिसलोकेशंस को देखने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे लिगामेंट्स का और उनको देख लेंगे कि वो स्ट्रक्चरली कैसे दिखाई देते हैं और किस फिर आपको देखने में आसानी हो जाएगी कि जहाँ वो प्रेजेंट हैं वो कैसे डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं और जहाँ वो नहीं होते वहाँ पर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आए देखते हैं डिसलोकेशंस कैसे होती है ग्लेनोहुमेरल जॉइंट पर या फिर शोल्डर जॉइंट पर। प्रीवियस वीडियो में हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा था, मसल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये है शोल्डर जॉइंट, तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और आप जैसे कि जानते हैं शोल्डर जॉइंट जो है थ्री बोन से मिलकर बना हुआ होता है, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। ये तीनों बोन आपस में आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है शोल्डर जॉइंट पे वो हमारा स्कैपुला और ह्यूमरस होती है, क्योंकि ज़्यादा डिसलोकेशंस भी इधर होती हैं और डेली लाइफ में जो भी यूज़ होने वाला जॉइंट होता है वो हमारा ह्यूमरस और स्कैपुला यानी ग्लेनोहुमेरल जॉइंट होता है, और ज़्यादातर डिसलोकेशंस भी इस जॉइंट पर होती हैं। या हम किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं या फिर हम भाग रहे हो दौड़ रहे हो, कब जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो इस जॉइंट पर ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि इस जॉइंट को किस किन किन लिगामेंट्स ने कवर किया हुआ होता है। शोल्डर जॉइंट को बेसिकली जो है फोर लिगामेंट्स ने कवर किया हुआ है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट और कोरेको ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट। ये चार लिगामेंट जो होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के गिर्द मौजूद होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स जो है हमारे पास कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट होते हैं, जिन्होंने हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोहुमेरल जॉइंट जो है यानी हेड ऑफ ह्यूमरस और स्कैपुला का जो ग्लेनॉइड फोसा है इन दोनों को आपस में कवर किया हुआ होता है। सबसे पहले जो ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट है ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट है, इसने शोल्डर जॉइंट को सुपीरियरली कवर किया हुआ है और ये जो है सुपीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस को प्रिवेंट करता है। जबकि इसके ऊपर से ये ग्रीन ऐसे करके बैंड आ रहा है ये हमारा है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो है रूट ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पर इस यहाँ से ये अटैच होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस से। ये हमारा जो है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इसकी डिसलोकेशन, सुपीरियरली इसकी डिसलोकेशन उसको प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है हेड ऑफ ह्यूमरस और ये ग्लेनॉइड फोसा है, ये ऐसे करके अटैच है और इसके ऊपर एक लिगामेंट आ रहा है, ये है ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट, जिसने हमारे पास ग्लेनोहुमेरल जॉइंट को सुपीरियरली प्रिवेंट किया हुआ है। अगर हम सुपीरियर डायरेक्शन में देखें तो ऐसे इसके ऊपर से एक बैंड आ रहा था जो होता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट्स यानी ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट और कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो है हमारे ग्लेनोहुमेरल जॉइंट यानी शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं सुपीरियर डिसलोकेशन से। तो हमारे पास ज़्यादातर जो डिसलोकेशन होती हैं वो एंटीरियरली होती हैं, पोस्टीरियरली होती हैं या इन्फीरियरली होती हैं। ज़्यादातर जो कॉमन होती हैं वो इन्फीरियरली होते हैं, क्योंकि इन्फीरियर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता जो हमारे जॉइंट को प्रिवेंट कर रहा हो। तो ज़्यादातर डिसलोकेशन होती है एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर डायरेक्शन में इतनी ज़्यादा डिसलोकेशन कॉमन नहीं होती। अब हम देख लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये थोड़ा बड़ा है और ग्लेनॉइड कैविटी जो है शैलो है। तो जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है ये फोर टाइम ग्रेटर होता है देन द ग्लेनॉइड फोसा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है। ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, यानी जो इसकी फ्लेक्शन होती है 180 डिग्री पे होती है और इसकी ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसकी इतनी ज़्यादा फ्लेक्शन होती है। इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट है हमारे किसी और जॉइंट में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम इसको अपने डेली रूटीन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी काम होते हैं हम अपने शोल्डर जॉइंट से कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी जो ज़्यादा डिसलोकेशन होती हैं वो शोल्डर जॉइंट की होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करते आए हैं कि जो शोल्डर जॉइंट है इसमें मोबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी लेस होती है। स्टेबिलिटी लेस होने की वजह से ही इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी लेस होती है इसलिए इसमें डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन करवाते हैं, यानी हमारे शोल्डर लाइन में जितनी भी डिसलोकेशन होती हैं उसमें कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि शोल्डर जॉइंट में कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है।
बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट है, हम हमेशा इतनी बार ये बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ, जो शोल्डर जॉइंट है उसका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इतना बड़ा होता है और ग्लिनॉइड फोसा जो होता है वो शैलो होता है, यानी वो इसको सिर्फ लेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेस स्टेबिलिटी की वजह से वो डिसलोकेट हो जाता है ईजिली। सेकेंड फैक्टर हमारे पास ये होता है कि जो ग्लिनॉइड फोसा है वो एंटीरियरली टिल्ट होता है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट जो है ईजिली डिसलोकेट हो जाता है। थर्ड फैक्टर हमारे पास होता है डेफिसिट्स ऑफ रोटेटर कफ। और फोर्थ फैक्टर जो होता है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर होता है ग्लिनोह्यूमरल लैक्सिटी। ये फैक्टर्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है टिपिकली कैसी डिसलोकेशन होती है इसके अंदर, जब हमारा जो ह्यूमर हेड ऑफ ह्यूमरस है वो एबडक्टेड होता है और एक्सटर्नली रोटेटेड होता है, तो एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन जो है इसमें अक्कर होती हैं। उसके बाद जब हेड ऑफ ह्यूमरस जो है एक बार डिसलोकेट हो जाए तो बार बार इसके जो डिसलोकेशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जब भी कोई मिनिमल फोर्स लगेगी तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो डिसलोकेट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके हेड ऑफ ह्यूमरस पहले एक बार कभी ज़िंदगी में डिसलोकेट हुआ हुआ हो तो। सेकेंड बात यह कि ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स पे भी इन्वॉल्व करता है, यानी कि अगर हमारे कैप्सूल लैक्सिटी है जेनेटिकली तो ये बार बार डिसलोकेट करेगा। शोल्डर जॉइंट किस तरह से डिसलोकेट होता है कि जब हम जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, उससे हम गिर जाएं और हमारे हाथ के बल पर हमारा सारा वेट आ जाए तो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा। या हम पीछे की साइड पे गिरें और हम अपने हाथ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो तब भी हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा। इसके अलावा हम किसी स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं जैसे रेसलिंग या फिर फुटबॉल में जो है हमारे शोल्डर जॉइंट पर इंजरीज आ सकती हैं या फिर डिसलोकेशन जो है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो था इस जॉइंट को प्रिवेंट करता है। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बनता है, यानी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और इस जॉइंट की डिसलोकेशन भी पॉसिबल है ड्यूरिंग स्पोर्ट जैसे फुटबॉल, हॉकी, इन तरह के स्पोर्ट में भी इसकी इंजरी जो है वो पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं कि इधर क्लेविकल की डिसलोकेशन कैसे पॉसिबल है। क्लेविकल जो है मीडियल साइड पर जो क्लेविकल की डिसलोकेशन है ये ज़्यादा कॉमन है देन द पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ पर कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है जो इस जॉइंट को प्रिवेंट कर रहा होता है। अब जब हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है तो वो अगर इन्फीरियर सरफेस पे हो या जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो तो यहाँ से एक नर्व पास हो रही होती है जिस एक्जिला से पास हो रही होती है, इसलिए उसको एक्जिलरी नर्व बोल रहे होते हैं, तो उसकी इंजरी जो है वो पॉसिबल होती है। देख लेते हैं एक्जिलरी नर्व का कोर्स क्या है। ये एक्सिलरी नर्व का कोर्स है और हेड ऑफ ह्यूमरस जब डिसलोकेट होता है तो यहाँ पर एक्सिलरी नर्व जो है ये भी डैमेज हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी भी। इसके अलावा फ्रोजन हमारे पास एक और डिसऑर्डर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर जो है उसमें क्या होता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और ग्लिनॉइड फोसा में भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं। ये दोनों साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती हैं आपस में अडेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रोज हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है उसकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर के अदर नेम्स भी होते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में और नेम्स से आए तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। देख लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के अदर नेम्स क्या होते हैं। फ्रोजन शोल्डर का जो फर्स्ट नेम है वो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। जहाँ पे भी कैप्सुलाइटिस आईटीएस आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन।
और एडहेसिव कैप्सुलेटस का मतलब यह है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड फोसा के जो इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन और ग्लिनॉइड फोसा की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो आपस में एडहेयर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलेटस। सेकेंड नेम जो होता है फ्रोजन शोल्डर का वो होता है स्कैपुलो ह्यूमरल पेरीआर्थराइटिस। इसमें भी ITSS का मतलब है इन्फ्लेमेशन है स्कैपुला और ह्यूमरल के दरमियान। थर्ड नेम जो है हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का वो है टीनोबर्साइटिस, यानी बर्सा जो होता है फ्रोजन शोल्डर में उसके इन्फ्लेमेशन। टीनोबर्साइटिस यानी सेपिटल टेंडिनाइटिस भी इसको बोल सकते हैं। या फिर हम इसको टेंडिनाइटिस ऑफ रोटेटर कफ भी बोल सकते हैं। ये सब नेम फ्रोजन शोल्डर के हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी एक नेम आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो सब इन सब का जो मतलब है फ्रोजन शोल्डर है। वैसे कॉमनली हम इसको फ्रोजन शोल्डर ही बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें पेन, स्टिफनेस और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट की शिकायत ज़्यादा होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, और हमने थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर को भी देख लिया था। इट वॉज ऑल अबाउट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, और थोड़ा सा हमने फ्रोजन शोल्डर के ऊपर भी नज़र डाल ली थी। फ्रोजन शोल्डर जो है एक अलग टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।